सबसे पहले जयपुर में शहर में शुरू हुआ था कार्यक्रम, और इसके पीछे मंशा ये थी सरकार की और हमारे माननीय जो ACS महोदय मैडम है, विनू गुप्ता मैडम, कि चूंकि मौसमी बीमारी जो है वो जनरली मार्च महीने के बाद से शुरू हो जाती है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए कैसे लोगों को जागरूक कर सके ताकि मौसमी बीमारी कम से कम हो, तो इसके तहत इन्होंने जयपुर शहर में इन्होंने प्रोग्राम चालू किया था सबसे पहले। उसके बाद में उसकी सफलता को देखते हुए इन्होंने पूरे राजस्थान में 21 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में ये प्रोग्राम चलाए जाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। स्वास्थ्य दल का, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्वास्थ्य दल में हमारे ANM GNM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सोहिनी रहेगी उसमें, और वो घर घर जाकर एक हमने एक फॉर्मेट है जो राज्य सरकार से आया हुआ है, उस फॉर्मेट के तहत उनसे सवाल पूछेगी और उस फॉर्मेट में वो उन्होंने सारी जानकारी प्राप्त करेगी। साथ में जागरूकता के लिए वो आम जनता को, जो ग्रामीण जनता है या शहरी जनता है, उनको इस बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आप साफ सफाई रख के कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया हुआ है। ताकि जैसे घरों में जनरली क्या होता है कि छत के ऊपर जो पुराने बर्तन पड़े होते हैं, कोई ट्यूब है, टायर है या कूलर है या कोई पानी के टांके हैं, उसके अंदर ढक्कन नहीं होता है या टंकी के ऊपर ढक्कन नहीं होता है, तो उसमें मच्छर पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और वही मच्छर फिर आगे जाके मलेरिया डेंगू की बीमारी फैलाते हैं, और इससे ग्रामीण जनता को और शहरी जनता को अवेयरनेस की कमी की वजह से ये मौसमी बीमारियों का प्रकोप ग्राफ डे बाई डे बढ़ जाता है। ये 21 से 23 की जो डेली रिपोर्टिंग होगी वो डेली रिपोर्टिंग हमारे पास में आएगी और हम जिला लेवल से हम इसको स्टेट पे, राज्य स्तर पे भेजेंगे, और हमारे यहाँ पर भी जो मेरे साथ में एपिडेमियोलॉजिस्ट है डॉक्टर मुकेश गर्ग है और मेरी जो टीम है पूरी, वो ये देखेगी कि डेली जो स्क्रीनिंग हुई है और डेली जो सर्वे हुआ है टीमों के द्वारा, उसमें कितने मरीज निकल के आ रहे हैं, जो ILI वाले जो पेशेंट है जिससे कि स्वाइन फ्लू होने की संभावना होती है या किसी के घर में कोई बुखार के रोगी है, तो पूरे सर्वे के अंदर, पूरे डे के अंदर 3 दिन में कितने बुखार के रोगी है वर्तमान के अंदर घरों के अंदर है, तो उसे एक आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में ये जो बीमारी है, इस बीमारी का प्रकोप अभी कितना है। हाँ, पूरे ज़िले का हम सर्वे और अवेयरनेस दोनों कार्यक्रम एक साथ में है, तो उससे टीम के द्वारा जो भी सर्वे होगा उससे हमारे पास में आउटपुट आएगा कि वास्तव में पब्लिक में जागरूकता भी होगी और साथ में बीमारी का भी हमारे को मालूम पड़ जाएगा।